नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री पहुंचे बांदा। यूपी के बांदा में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बांदा पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और संबंधित विभाग से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। बताते चले कि यह पूरा कार्यक्रम शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिस्सा लिया। सरकार की तमाम योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी देते हुए उनसे रूबरू कराया। पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो यह बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिस तरीके से कहना है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस कथन के माध्यम से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर के हमारे श्रम विभाग के द्वारा लगभग 17 से 18 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा लगभग 3000 से अधिक पंजीकृत कामगार श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 12 करोड़ से अधिक धनराशि का वितरण करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के मदों के माध्यम से सदस्य पंजीकृत कामगारों को आर्थिक सहायता देने का काम किया गया। प्रतीक स्वरूप मेरे द्वारा 5 कामगार मजदूरों को प्रमाण पत्र सौंपने का भी काम किया गया है। इसके अलावा अन्य बचे हुए मजदूरों को जनपद के अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण करने का काम किया जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को जो भी आर्थिक मदद दी जा रही है वह सीधा उनके खाते तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पहले की सरकारों में मजदूरों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। लाभ दिलाने वाले बिचौलिया उनके आर्थिक मदद का आधे से ज़्यादा पैसा बंदर बांट कर लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। इसी क्रम को हमारी सरकार के द्वारा खत्म करते हुए सीधा मजदूरों के खाते में पैसा डालने का काम किया जा रहा है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक संकल्प लिया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उस कसौटी पर हमारी केंद्र प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। उसी तर्ज पर श्रम विभाग भी जो पंजीकृत निर्माण मजदूर हैं उनको विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने के लिए सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर गुजर करने का अवसर देने के लिए और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 17-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के कंधे से कंधे मिलाकर के उनको सहयोग और ताकत दे रही है। इसी क्रम में आज बांदा जिला मुख्यालय के जैसी कॉलेज के मैदान में यहाँ पर पंजीकृत निर्माण मजदूरों को इस योजनाओं का वितरण करने, कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा मजदूरों को 12 करोड़ रुपए की धनराशि से ज़्यादा का आर्थिक सहयोग दिया गया। भिन्न भिन्न योजनाओं के भिन्न भिन्न मदों में आर्थिक सहायता दी गई। मौके पर प्रतीक स्वरूप मैंने 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। शेष लाभार्थियों को प्रमाण पत्र हमारे उप समायुक्त चितकूर मंडल देंगे और साथ ही साथ इन सभी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है ये इनके खाते में
आरटीजीएस के माध्यम से पहुंच जाएगा। क्योंकि श्रम मंत्री बनने के बाद हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर दलालों की एक चेन थी,